आज सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया की सभा में लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि पहले पत्नी को राजनीति में लाए और अब चार बच्चों को लगा दिया। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जो भी बोले हमारे लिए आशीर्वचन और आशीर्वाद है, उनको मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है। देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे, आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है। और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगी नहीं था कि लोकसभा का चुनाव होगा। देखो, परिवार परिवार लड़ रहा है क्या, ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं। भाजपा भी सुख है, इस पे कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा क्या, इस पे हमको कोई टिप्पणी, सब आएगा।